हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है नई वीडियो में। आज है 10 फरवरी। आज मैं पूरे 1.5-2 साल के बाद मंदिर में आई हुई हूँ। ये मंदिर हमारे घर के पास में ही पड़ता है, तो मेरी आज शादी की सालगिरह है, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आज भोलेनाथ जी के मंदिर में जल चढ़ाकर आती हूँ। आप लोग भी अपना आशीर्वाद दें। भोलेनाथ जी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। सुबह के समय में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, हम दोनों जने आए थे यहाँ पे। उसके बाद हम घर पहुँचे तो मेरे बेटे ने ये रखे हुए थे लाकर, समोसे और जलेबी, क्योंकि मुझे जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद फिर मैं गई आश्रम। यहाँ पे छोटे बच्चे भी रहते हैं, बड़े बच्चे भी रहते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं आते रहती हूँ। पर ये थोड़ा दूर पड़ता है, मैं इधर जा रही हूँ अभी। वही जाके नजदीक शोपीस है ना ये? हाँ जी, और ये भी, ये क्या है, फूल? ये भी फूल ही फूलेगा। ये वाला फूल कह रही थी मैं, इसमें एक रेड कलर का भी है ना जी, रेड वाला भी, रेड वाला वहाँ फूल। ये है लीची जी, ये क्या है, अमरूद? ये भी प्लांट है, अच्छा, ये अमरूद का ऐसा लग रहा है ना। हाँ जी, खाली 100 प्लांट है, अभी हो रहा है ये, अच्छा हो जाएगा तो फिर लगेगा ना। मुझे सबसे पसंद है ये वाला, बहुत फूल थे वो है। कितने सूख गए तो हमने हटा दिया ना। किसका? ये ज्यादा फूल। हाँ बहुत थे। उसके बाद जो यहाँ के सर जी हैं, जो बच्चों की देखाभाली करते हैं, वही मुझे ये दिखा रहे थे। यहाँ पे देखो इन्होंने कितना अच्छा बनाया है, पहले नहीं बनाया था ये सब। बहुत सारे गमलों में अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे छोटे छोटे लगाए हुए हैं फूल, तो वो बोले थे कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, तो अच्छा लगा, देखने में भी अच्छा लगता है। जो भी यहाँ पे जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं जो लोकल के हैं खटीमा के, तो जाते रहते हैं यहाँ, मैं तो जाते रहती हूँ। देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पहले से अच्छा लगा। इस बार थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। हाँ सही है, अच्छा लगता है, हम लोग भी आते हैं देखने में भी अच्छा लगता है। उसके बाद मैं घर को आने लगी थी, ऊपर में जो भी था सब मैं देखकर आ गई थी, बहुत अच्छा लगा। तो अभी बच्चे स्कूल गए हुए थे, ज़्यादा बच्चे नहीं थे, 2-3 बच्चे थे। और ये वाला भी पौधा बहुत अच्छा है, ये अफ्रीकन प्लांट है, ये 100 पीस। फिर हम लोग आ गए थे घर। ये देखो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, ज़रूर बताएं। आप लोग अपना कीमती समय मेरी वीडियो देखने के लिए देते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना साथ बनाए रखें। इसमें मैंने थोड़ा सा वीडियो पहले की डाली हुई, जब मैंने शादी की साल 25वीं सालगिरह जब मैंने मनाई थी, उस समय की मैंने थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के साथ इसमें शेयर किया हुआ है। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताएं। तो कुछ यादें होती हैं तो मैंने वही आप लोगों के साथ इसमें शेयर। फिर उसके बाद मैंने केक वेक भी नहीं मंगाया हुआ था, क्योंकि मैं केक बहुत कम लाती हूँ घर पे, मैं ज़्यादा ऐसे आश्रम में ही चले जाती हूँ, घर पे केक वेक बहुत, बच्चों के बर्थडे में भी मैं नहीं लाती हूँ, इसलिए मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो बेटे ने शायद पहले ही बनवा लिया था या अचानक बनाया, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो शाम को ये केक आ गया था, तो मैंने फिर केक काटा।
तो ये सब वीडियो मैंने आप लोगों के साथ आज की शेयर कर ली है। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें। और आप सभी लोग अपना आशीर्वाद दें और ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद एंड थैंक यू।